चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स में हम लोग एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मात्रक, मापन और विमाएं। आज दूसरा टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, सदिश एवं अदिश राशियां। पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC दें आप लोग, CGL दें, स्टेनो दें, SSC GD दें, UP पुलिस दें, KBS दें, सी टेट दें, यूपी टेट दें या सुपर टेट, कोई भी बंदे एग्जाम दें या UPSC का कोई एग्जाम दें, आप लोगों के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, टॉपिक है हमारा सदिश एवं अदिश राशि। ठीक है, आज का टॉपिक है सर सदिश एवं अदिश राशियां। सदिश एवं अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो जैसे सबसे पहले पता होना चाहिए सर, राशियां किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या क्या है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सर। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो जिसे नापा जा सकता है वही भौतिक राशि, जिसे मापा जा सकता है वही क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, और ये जो भौतिक राशि बराबर होता है ना सर, जो भौतिक राशि बराबर होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके मात्रक के बराबर होता है। जैसे हम लिखते हैं ना सर, देखो 4 लीटर की दूध क्या था, 4 लीटर है ना, तो ये जो 4 था वो संख्यात्मक मान था, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और जो लीटर लिखा था हमने ये क्या था सर, मात्रक था। तो हमने नापा क्या, दूध का आयतन ना, तो हमारे पास जो भौतिक राशि थी वो क्या थी, आयतन थी। हमारे पास भौतिक राशि क्या थी, आयतन थी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें नापा जा सकता है हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और जो भौतिक राशि बराबर होता है वो बराबर होता है संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के। अब एक चीज देखेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए सर मेरे पास सेंटीमीटर है, फिर मेरे पास मीटर है, फिर मेरे पास किलोमीटर है, ये किस भौतिक राशि के मात्रक के? तो आप लोगों का जवाब होगा सर दूरी के। तो आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो 100 सेंटीमीटर में आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 मीटर। और 1 मीटर में आप लोगों को क्या मिलेगा, किलोमीटर में अगर इसे चेंज करेंगे तो हम लोग 0.001 किलोमीटर यही मिलेंगे ना। तो आप लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू का मान घटा है वैसे वैसे मात्रक की वैल्यूज बढ़ी है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर बड़ा होता है, और मीटर से बड़ा क्या होता है, किलोमीटर होता है। कहने का मतलब यह है, किसी भी भौतिक राशि में जो है ना सर, न्यूमेरिकल वैल्यू उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे कहने का मतलब सीधे एक लाइन में आप समझेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पन अपॉन यूनिट के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। मतलब इसे मैं लिख सकता हूं सर, एन यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहूं तो लिख सकता हूं सर, एन बन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के तौर पर मैंने के यूज कर लिया। तो ये एक आप लोगों को फॉर्मूला बन के आ जाएगा मात्रक और भौतिक राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच। ठीक है, यही लाइन लिखी है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन यू, संख्यात्मक मान के बढ़ने पर मात्रक क्या होता है, घटता है, और मात्रक के घटने पर क्या होता है सर, संख्यात्मक मान बढ़ता है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखो, एक रिक्वायरमेंट मेरी आप लोगों से हमेशा होती है, अपना पर डे का एक टारगेट रखिए, उस टारगेट को पूरा करिए। और टारगेट को पूरा करने के बाद आप लोग कितना पॉजिटिव फील करेंगे ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक और बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, एक और ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। अंत तक वीडियो देखा करिए बिना स्किप किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को होने वाली है। और अगली वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए इस टॉपिक की, अगली वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक के। तो 100+ लाइक क्या जाता है यार आप लोगों का, ठीक है, जरा सा एक बटन तो क्लिक करना है। और 200 कम से कम व्यूज होने चाहिए, 200 लोग देखें, तो सब लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, और प्लीज
आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए कि सर ये चीज रह गई है, या सर इस चीज को थोड़ा फास्ट करिए, तो अपने सुझाव जरूर दिया करें, या वीडियो कैसी लगी ये सब जरूर बताया करें यार। आप लोगों की कमेंट एनर्जी होती है हम लोगों की, हम लोग आप लोगों के लिए फ्रीली अगर मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस ऊर्जा को हमारे लिए लगातार बनाए रखें। चलिए आगे चल रहे हैं। आगे है सर, देखिए सदिश राशि कौन सी होती है, या जो राशियां थी वो कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। देखिए सर, भौतिक राशि में क्या क्या चीजें होती है उस चीज के बारे में, एक परिमाण होता है, एक दिशा होती है, और उसका क्या होता है, मात्रक होता है। इन तीनों चीजों के आधार पर, परिमाण, दिशा और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया अदिश राशि, जिसे कहते हैं स्केलर, इंग्लिश में स्केलर कहते हैं, और दूसरे को कहा गया सर सदिश राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। अब अदिश क्या होती है, अदिश नाम से स्पष्ट है, ए और दिश, जिसकी दिशा ना हो, है ना। तो सर दिशा इसमें से काट दो तो क्या क्या बचा, सर परिमाण बचा और मात्रक बचा। मतलब ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होगा और उनका मात्रक होगा, दिशा नहीं होगी, क्या कहलाएगा, अदिश राशियां कहलाएंगी। यही लिखा है, इसमें केवल क्या होता है सर, परिणाम होता है। ठीक है, अब मजे की बात यह है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी राशि ऋणात्मक भी हो सकती है, तो याद रखेंगे अधिस राशि ऋणात्मक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब क्या है, किसका परिमाण ऋणात्मक होगा, दिशा को नहीं दर्शाएगी ये। आगे क्या कह रहा है सर, अधिस राशियों को बीजगणित योग तथा अंतर के सामान्य नियमों की सहायता से जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब अधिस राशियों को जो है सामान्य नियम जो होते हैं बीजगणित के, जैसे 3 + 4 = 7, इस तरह से ही जोड़ा व घटाया जा सकता है। अब अधिस राशियों के कुछ उदाहरण दिए हैं सर, इन एग्जाम्पल्स को आप लोग अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार पूछे गए हैं। एक ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को अंत में कि कौन सी राशि अदिश होगी ज्यादातर, 95% आप लोग आसानी से पकड़ लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, पता नहीं बीच में कब मैं वो आप लोगों को ट्रिक बता दूं। तो देखो, दूरी सर जो है अदिश राशि है, चाल है अदिश राशि है, समय है अदिश राशि है, क्षेत्रफल है अदिश राशि है, कार्य है अधिस राशि है, ऊर्जा है अधिस राशि है, तापमान है अधिस राशि है, विशिष्ट उष्मा है अधिस राशि है, गुप्त उष्मा है अधिस राशि है, विद्युत धारा है ये भी अधिस राशि, आवेश है ये भी अधिस राशि है, प्रतिरोध है अधिस राशि है, पृष्ठ तनाव है ये भी अधिस राशि है, श्यानता है ये भी अधिस राशि है, घनत्व है ये भी अधिस राशि है, उष्मा है ये भी अधिस राशि है, दाब है ये भी अधिस राशि है, और विकृति भी अधिस राशि है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। यही क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, या निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, जो ट्रिक है मैं बताऊंगा, काफी हद तक आप लोगों के काम आएगी। चलिए सर, चलिए आगे सदिश राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जिसमें परिमाण भी होगा, मात्रक भी होगी, और दिशा, तीनों चीजें होंगी, वो क्या कहलाएगा, सदिश। अब इन्हें सदिश के बीजगणित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। देखो, इनमें सदिश के जो नियम होंगे जोड़ने के, सदिश राशियों के, उनके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, ना कि सामान्य नियमों के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। सदिश राशि के उदाहरण बता रहे हैं, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, आवेग है, संवेग है, बल है, प्रतिबल है, कोणीय वेग है, कोणीय संवेग है, बल आघूर्ण है, विद्युत घनत्व है, विद्युत क्षेत्र है, कृत्वीय क्षेत्र है। ये सारी की सारी राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। सारी की सारी राशि कैसी होती है, सदिश होती है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ भौतिक राशियों के परिमाण व दिशा दूरी भी पूर्ण परिभाषित नहीं कर सकते, उन्हें प्रदिश कहते हैं। तो कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें सदिश और अदिश के बीच का समझा जाता है, टेंसर उन्हें कहते हैं, जैसे जड़त्व आघूर्ण। देखो, जड़त्व आघूर्ण है, ना कि बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, याद रखना। प्रतिबल है, कोई बीमा ही नहीं होती है विकृति की, ठीक है, प्रतिबल है अदिश राशि है। घनत्व है टेंसर, इन चारों को याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछेगी कौन सी जो है ना सदिश है ना अदिश है और वो प्रदिश है। तो ये ऑप्शन जड़त्व आघूर्ण, प्रतिबल, विकृति और घनत्व, दोनों ही चारों ही जो है प्रदिश राशियां हैं। प्रदिश का भिन्न दिशाओं में भिन्न परिमाण होता है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग परिमाण व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, इकाई सदिश के बारे में बात कर रहे हैं, इकाई सदिश है ना। तो ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण हमेशा बनाएगा,
वो इकाई सदिश कहलाता है और इसे एन कैप, ऊपर इसे कैप कहते हैं, एन कैप के द्वारा व्यक्त करते हैं, और एन कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ इसलिए लगाया कि वो उसके परिमाणों को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसे आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्स की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसे जे कैप से लिखते हैं, और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश को के कैप से लिखते हैं, ठीक है सर, इतना याद रखिएगा। आगे लिख रहे हैं सदिशों का वियोजन, सदिशों को तोड़ना, है ना, दो या दो से अधिक घटकों में सदिशों को जोड़ना या तोड़ना सदिशों का वियोजन कहलाता है। देखिए जो एक्स एक्सिस ये होता है, मान लीजिए इस तरह से, है ना सर, अब मान लीजिए एक एंगल है ये यहाँ थीटा, ठीक है, अब एक्स एक्स तो ये हो गया ए एक्सिस है मान लिया मैंने, और ये बाई एक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इससे कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ये ए एक्स है ना, आधार बटे कर्ण होता है ना, ए एक्स कोस थीटा आ जाएगा, कर्ण की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर सीधे सीधे ए एक्स बराबर क्या होगा, ए कोस थीटा एक्स एक्स की दिशा में है इसलिए आई कैप लिख दिया। ऐसे ही अगर बाई में निकालूंगा तो ए बाई बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा, लाल बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा कर्ण के ये रहा, है ना, तो ए बाई के लिए ए साइन थीटा और बाई अक्ष की दिशा में जे कैप एकांकी सदिश होता है। तो इस तरह से होता है, अगर दो सदिशों का परिणामी निकालना होता है तो हमेशा याद रखेंगे दो सदिश ए और बी हैं, उनका परिणामी रिजल्टेंट जो होता है वो आर बराबर होता है भैया स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा, ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट, इसी से आएगा दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर रिजल्टेंट आ जाएगा इनका, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा रिजल्टेंट होता है, दो सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। अभी क्वेश्चन आएंगे टॉपिक पे, आगे क्या कह रहा है देखिए, किसी सदिश का महत्तम परिणामी दोनों सदिशों का योगफल होता है, मतलब अगर कह दिया दो सदिश हैं ए और बी और इनसे पूछा जाए इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और न्यूनतम परिणामी दोनों का क्या होगा, घटाव होगा, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है सर, मैक्सिमम और मिनिमम इसका। आगे सदिशों के गुणनफलों के बारे में बात कर रहे हैं, सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी, सदिशों का अदिश गुणनफल उसे डॉट कह के पढ़ते हैं हम लोग, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, और सदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी कह के पढ़ते हैं हम लोग इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। एन कैप भाई एकांकी सदिश के तौर पर लिखते हैं, एकांकी सदिश के लिए लिखते हैं, इकाई सदिश के लिए लिखते हैं, ठीक है सर, ये इनके सदिशों के गुणनफल हो गए। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक फिनिश हो गया है, आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, कौन कौन सी राशियां सदिश हैं, कौन कौन सी राशियां अदिश हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एकांकी वेक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में, वेक्टर को किस कैप से प्रदर्शित करते हैं, वाई एक्स की दिशा में और जेड एक्स की दिशा में। अब देखिए बात आती है सदिश और अदिश कैसे पहचाने, ये बताया था तो आप लोग ध्यान दें, देखिए बे इधर आया, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो वेग में बे है, विस्थापन में बे है, त्वरण में बे है, आवेग में बे है, संवेग में बे है, ठीक है, कॉमन चीज आप लोग जानते हैं, कोणीय वेग वे आ गया, कोणीय संवेग फिर से संवेग आ गया, ठीक है, विद्युत घनत्व इसमें। तो देखिए जो बिना पेट चिरा वाला बे है, जिन जिसमें आ रहा है वो क्या हो गया आप लोगों के लिए सदिश राशि है। अब एक चीज और आएगी आप लोगों के दिमाग में कि भैया आवेश में भी तो बे आया है और प्रस्थानाभ में भी तो बे आया है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस के तौर पे आप लोग याद रख लें, दो चीज तो याद रख ही सकते हैं कि आवेश है और प्रस्थानाभ है, ये दोनों कैसे होते हैं, अदिश होते हैं। घनत्व को तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, प्रदिश होती है, टेंसर राशि होती है घनत्व, तो इसके बारे में तो ज्यादा सोचेंगे नहीं। उसके अलावा मैक्सिमम जिनमें भी व्यय आता है वो सारी की सारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट, आप लोग टारगेट जरूर पूरा करिए वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।